आपकी भी पत्नी आपके बच्चे को लेकर मायके चली गई है और आपका बच्चा या बच्ची, देखिए बेटा या बेटी कोई भी है, आपकी पत्नी उसको लेकर मायके चली गई है और आप पर डाल दिया है केस, आप है अपने बच्चे से दूर और अब आप चाहते हैं अपने बच्चे को हासिल करना, उसकी कस्टडी लेना, तो किस तरह से आप अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, किस तरह से आप उससे मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है आपसी पति पत्नी के डिस्प्यूट में जो बच्चा है वो पिता के प्यार से महरूम रह जाता है, यानी कि दूर रह जाता है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है अगर बच्चा 1 साल 2 साल का है तो 3-3, 4-4 साल तक पत्नी आती नहीं है, बच्चे से बात करने नहीं देती है, तो बच्चा पिता तक को भूल जाता है, उससे नहीं बात करता है, बाद में जब कस्टडी तक केस पहुंचता है। तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं और किस तरह से उससे मिल सकते हैं, पिता को खासकर पिता के लिए वीडियो है क्योंकि पिता अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कानून और सुरक्षा में, मैं हूं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए अगर आपका बच्चा 5 साल से नीचे है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी, लेकिन अगर बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया है तो आप बच्चे की फुल कस्टडी पा सकते हैं। देखिए अगर आपका बच्चा 5 साल से नीचे है तो माँ आपसे आपके बच्चे को पूरी तरह से दूर नहीं रख सकती है, विजिटेशन राइट के अंतर्गत आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेकर आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, कोर्ट महीने में 1 या 2 बार आपको अपने बच्चे से मिलने की परमिशन दे सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप विजिटेशन राइट कैसे ले सकते हैं। देखिए आपका जो भी केस हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत चल रहा है उसी केस के अंतर्गत आप सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अब उस एप्लीकेशन में आप बच्चे के विजिटेशन राइट को क्लेम कीजिए। अधिकतर मामलों में यानी कि 99% मामलों में कोर्ट भी इस बात को मानता है कि बच्चे को मिलना चाहिए पिता का प्यार, तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि आपको रिलीफ देता है और अपने बच्चे से आप मिल सकते हैं। अब ये तो हो गया कि 5 साल से नीचे के बच्चे के लिए आप किस तरह से विजिटेशन राइट मांग सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आप बच्चे की फुल कस्टडी कैसे ले सकते हैं। आप बच्चे की फुल कस्टडी ले सकते हैं, इसके लिए गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट सबसे बढ़िया एक्ट है। इस केस को आप वहीं फाइल कर सकते हैं जहां पर बच्चा वर्तमान स्थिति में रह रहा है और यह केस आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि इस केस में सिर्फ आपको यही साबित करना होता है कि जो बच्चे का वेलफेयर है वो हमारे साथ बहुत अच्छा रहेगा, ना कि जो आपकी पत्नी है उसके साथ। सिर्फ इतना ही आपको प्रूफ करना होता है कि बच्चे का वेलफेयर मेरे साथ बहुत अच्छा बन सकता है, यानी कि भविष्य उसका बहुत अच्छा बन सकता है मेरे साथ। उसके लिए क्या क्या जरूरी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कई पति जो है एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, और आप जब ये गलती करते हैं आपका जो केस है वो पूरी तरह से अपोजिट पार्टी उसका फायदा उठा लेती है। वो गलती ये है कि आप ये दिखाने के लिए कि बच्चे का वेलफेयर मेरे साथ बहुत अच्छा हो सकता है अपने आप को रिच दिखाते हैं, यानी कि बहुत पैसा है। तो मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो आप अपने आप को ज्यादा रिच ना दिखाएं, हो सकता है अपोजिट पार्टी इसका फायदा उसके जो दूसरा केस मेंटेनेंस का चल रहा है उस पर उठा ले, तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको ये दिखाना है कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करता हूँ जिसके ऊपर बच्चे का जो है बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े, और हमारे घर का माहौल जो है शैक्षणिक है, यानी कि सभी पढ़े लिखे हैं, स्कूल पास में है और हम उसको बहुत अच्छा जो माहौल है वो दे सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट है अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी पर कोई केस चल रहा है, आप क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई केस चल रहा है, या उनके घर का माहौल खराब है, या उसके घर में कोई शराब पीता है, स्मोक करता है, लड़ाइयां होती रहती है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, ये सारी कोर्ट के सामने लाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है,
या वो दूसरी शादी करने की सोच रही है और जो भी आने वाला भविष्य में उसका पति है या जो भी उसका बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ रहती है और बच्चे को घर में अकेला छोड़ दिया है उसके मम्मी पापा के साथ यानी कि उसके नाना नानी के साथ। तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि मेरे से अलावा यानी कि एक पिता होने के नाते मुझसे अच्छा उसको कोई नहीं संभाल सकता है, क्योंकि अभी जो है मेरी बीवी का ये मैरिटल जो अफेयर चल रहा है इसी आदमी के साथ चल रहा है। प्रूफ कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा आपको मिल सकता है। देखिए चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ आप इंटीरियर कस्टडी की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब लड़की मेंटेनेंस का केस डालती है तो इंटीरियर मेंटेनेंस पहले डिसाइड होता है। तो इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ आप भी इंटीरियर कस्टडी की एप्लीकेशन डालें, उस पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और वो उस पर भी डिसीजन लिया जाएगा। तो हो सकता है कि इंटीरियर कस्टडी जब आप मांगे तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, खासकर पिता को, क्योंकि पिता को ज्यादा सफर करना पड़ता है अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए। फिर भी अगर कोई पिता या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि हाँ वो हमसे बात करे, हमसे सजेशन ले, कोई लीगल क्वारी है इसी केस के संबंध में, तो ऑफकोर्स हम उसकी मदद करेंगे। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर, व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और योगदान दीजिएगा। धन्यवाद।